हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, रिसेंटली मैंने एक अपनी वीडियो अपलोड की थी करवा चौथ की, कि आप उस पर अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी 5 किलो अपना वेट कम किया है और आप भी इजीली अपना वेट लॉस कर सकते हैं घर के ही खाने से। और मेनली ये जो करवा चौथ का जो वेट लॉस है, ये हाउसवाइफ के लिए है, क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ को कितने स्ट्रगल करने पड़ते हैं, मेंटली डिस्टर्बेंस, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं जो हम शायद एक दूसरे से शेयर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती हूँ, और लेकिन मैंने उस सब चीज़ को फेस करते हुए अपना वेट लॉस किया। बॉडी शेमिंग इतनी होती है, ठीक है। तो लेकिन आपको उस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना है, ताकत बनाना है, तभी आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि मैं 8 साल से अपना वेट लॉस कर रही थी, मतलब कि 15 दिन किया, फिर वेट लॉस नहीं हुआ थोड़ा बहुत, तो फिर छोड़ दिया। मतलब अपने अंदर एक इच्छा शक्ति नहीं थी, बट अब मैं अपना वेट लॉस पूरी इच्छा शक्ति से कर रही हूँ। मैं बाहर का, मतलब मैंने ये नहीं बोलूँगी पूरा ख़त्म कर दिया है, मैंने 90% तो बिल्कुल बंद कर दिया बाहर का खाना। कभी कभी तो होता है कि किसी का मन करता है खाने का, और ऑयली फूड मैं खाती नहीं हूँ। जैसे बच्चे पहले क्या करते, बच्चों को कुछ खिलाया, चॉकलेट बच गई, बिस्किट बच गया, मैंने वो खा लिया, अब मैं वो भी नहीं करती हूँ। ओवर ईटिंग बिल्कुल बंद कर दी है, और पहले भी मैं सेम वही खाना खाती थी और आज भी मैं वही खाना खा रही हूँ, बट मेरा जो वेट लॉस है वो ईज़िली हो पा रहा है। तो मेरे पास एक अनिका ऐसे कुछ नाम है, मैं आपको यहाँ पे कमेंट शेयर कर दूंगी उनकी। तो मेरे पास उनका कमेंट आया कि 7 साल से वो भी अपना वेट लॉस करना चाह रही हैं बट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि आप पोर्शन कंट्रोल कीजिए, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन किया, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाई जाएगा। गाइस, पोर्शन कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसको लिमिट में लीजिए। मैंने अभी एक टाइम पे क्या करना शुरू कर दिया था कि मैं सुबह 2 रोटी खाती थी दोपहर में, और रात को मैं सिर्फ चावल और दाल खाती थी। हमारे रात को चावल दाल बनते हैं, तो रोटी बनती है, तो मैं रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती थी और मैं चावल खाना शुरू कर देता। उससे क्या हुआ, मेरा जो पेट है वो और ज़्यादा निकल गया। आफ्टर डिलीवरी मेरा पेट तो निकल ही गया था 2017 में, उसके बाद और भी ज़्यादा निकल गया, क्योंकि मैंने चावल इतने ज़्यादा खाने शुरू कर दिए थे कि मुझे चावल के बिना कोई अच्छा नहीं लगता। तो मैंने चावल, मैं आज भी खाती हूँ, डेली खाती हूँ, बट मैं पोर्शन कंट्रोल करती हूँ, यानी कि थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, ठीक है। आप एक अपना बाउल बना लीजिए या एक अपनी थाली बना लीजिए, जो मैं आगे आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी, उसी उसमें ही सब कुछ पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा कि इतना मुझे इतनी दाल खानी है, इतनी कढ़ी खानी है, इतनी चावल खाने है, इतनी रोटी खानी है। तो उसको लेके आप अपने डाइट को चलिए, तो आपको ईजिली बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कि करवा चौथ आ रहा है, तो अगर आप अपना स्किन टोन ठीक करना चाहते हैं, तो गाइस जैसे कि मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर शादी से पहले एक दो बार कभी फेशियल कराया है तो फेस पे इतना अच्छा ग्लो आता है, तो उस पर इतना अच्छा ग्लो आता था फेस पे। अब शादी के बाद क्या हुआ कि इतना सारा डिप्रेशन, टेंशन, तो मतलब फेस का टोन अलग हो गया, हाथों का टोन अलग हो गया। बट जब से मैंने एक हर्ब लेना शुरू किया है, तब से मेरी जो स्किन टोन है वो बहुत ज़्यादा निखर गई है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा चेहरा मेरा ग्लो करने लग गया है, बट फेस पे थोड़ा सा चमक आई है। मैं मतलब खुद से फील करती हूँ कि मेरा फेस जो है थोड़ा सा ठीक हो गया पहले से, और आप देख सकते हैं मैंने कोई मेकअप नहीं किया है कोई भी, ठीक है, बट फेस पे एक अलग ही हल्का हल्का ग्लो सा आता है, ठीक है। तो आप इस हर्ब को यूज़ करेंगे तो वो है मंजिस्ट्रा। तो ये गाइस आपको दिन में एक बार पीनी है, आप दिन में 3 टाइम होते हैं, सुबह दोपहर शाम, आप किसी भी टाइम पी सकते हैं, ठीक है। इसकी बस आपको एक टहनी लेनी है, ये आपको किसी भी जड़ी बूटी की शॉप पे मिल जाएगी, और इसको पानी में बॉईल करके एक कप, जब वो पानी रेड रेड हो जाए, मेरे चैनल पे आपको वीडियोज़ दिख जाएंगी, उसको पी लेना है। और उससे क्या होगा कि आपका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। और देखिए, इससे मेरे बालों को भी बहुत फ़र्क पड़ा है, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं इसको यूज़ करने से, ठीक है। आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपके बाल काले भी हो जाएंगे। सबसे पहले आपको अपने डिप्रेशन को ख़त्म करना है, डिप्रेशन ख़त्म होगा तभी सब कुछ हो पाएगा, ठीक है। आप कितना भी मर्जी जी चाहें, आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा, तो डिप्रेशन ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका जो वेट लॉस है वो ईज़िली हो पाएगा। ये मत सोचिए कि मुझे इतनी जल्दी वेट लॉस करना है, ठीक है, ये सोचिए कि मुझे वेट लॉस करना है। चाहे आप अपने आप को 1 साल दीजिए, 6 महीने दीजिए, ठीक है, डेली अपना अपना जो वेट है वो नाप के, और फिर आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका वेट लॉस ईज़िली हो जाएगा। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना वेट लॉस कैसे कर रही हूँ या कैसे किया।
तो गाइस शुरू करते हैं। सुबह 6 से 7 के बीच में आप मॉर्निंग ड्रिंक ले सकते हैं। तो ये मैंने अजवाइन और सौंफ की ड्रिंक ली है और इसको मैं पी लेती हूँ और फिर मैं जाती हूँ अपनी छत पे। तो यहाँ पे मैंने करी लीव्स लगा रखे हैं और मैं इनको सुबह सुबह चबा चबा के खाती हूँ। जितने आप खा सकते हैं, दिन में 25 से 30 पत्ते तो आपको खाने ही खाने हैं, ठीक है। तो जब आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होगा कि मैं अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ, तभी आपका वेट लॉस हो पाएगा। ये तुलसी के लीव्स हैं, ये गुड़हल के लीव्स हैं। आप इनमें से कोई सी भी लीव्स की टी बना के या फिर ऐसे ही चबा चबा के भी खा सकते हैं। तो ये गुड़हल तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। फिर मैं अपनी छत पे आती हूँ और मैं करी लीव्स खाती हूँ चबा चबा के। मैं अपने किचन में ही करी लीव्स रखती हूँ, जब मेरा मन करता है उठा के खा लेती हूँ। फिर मैं अपनी छत पे एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। तो ये सुबह के मतलब 5 या 6 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पे छत पे आई हूँ। मतलब मुझे थोड़ा अप डाउन हो जाता है बच्चों की वजह से, कभी 6 बज जाते हैं कभी 6:30 बज जाते हैं। तो मैं छत पे वॉक कर रही हूँ और चबा चबा के अपने करी लिप्स भी खा रही हूँ। गाइस करी लिप्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं आपके वेट लॉस को करने के लिए। तो आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि आप सोचेंगे आप काम करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपने पेट को अपने शरीर को नहीं हिलाएंगे। मैंने अपने हिप्स और अपने पेट बहुत कम किया है अपने इस वेट लॉस जर्नी से, तो आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी भी ज़रूरी है। तो हम आ जाते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने पे, साथ साथ में करी लिप्स भी खा रही हूँ। तो ये एक्सरसाइज जो है आपके पेट को कम करने में हेल्प करेगी। तो आप देख पा रहे होंगे पहले से मेरा पेट जो है थोड़ा कम हो गया है, 39 हो गया है। और अभी मुझे ये पूरा ही कम करना है, बलून की तरह पेट फूला हुआ था और अभी कम हुआ है। तो ये एक्सरसाइज जो है आपके पेट को, आपके हिप्स को, आपके थाइस को कम करने में हेल्प करेगी। तो आप हाउसवाइफ हैं, आपको 15 मिनट तो आप लिए अपने लिए निकालने ही है। सुबह 15 मिनट निकालिए, फिर सारा काम करने के बाद 15 मिनट निकालिए, फिर शाम को 15 मिनट निकालिए, फिर रात को, ऐसे ऐसे करके आपको पूरा दिन में आधा घंटा तो भाई अपने लिए निकाल ही लो, ठीक है। हमें पता है हम हाउसवाइफ को कितने सारे काम होते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है आपके पेट को, आपके हिप्स को कम करने में हेल्प करेंगी। तो ये देखिए मेरा पेट अब भी दिख रहा है, लेकिन भाई पहले से बहुत फ़र्क पड़ा है जब से मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की है। और ये वाली एक्सरसाइज जो है ये बहुत अच्छी है, इससे आपके पेट पे, आपके हिप्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, जो कम करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। तो इससे आपका पेट कम होगा और इस तरीके से ये चक्री चलानी है अपने पेट और हिप्स की, तो इससे आपका वेट लॉस ईजीली हो पाएगा, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज भी करनी है। तो सुबह सुबह एक तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल शांति होती है, बच्चे भी सो रहे होते हैं, वरना पूरे दिन चिक 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 है और मतलब कोई नहीं होता आसपास, आराम से आप आराम से अकेले अपना जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज मैं करती हूँ सुबह उठकर, और फिर जब मेरा सारा काम हो जाता है तभी मैं 10-15 मिनट अपने लिए निकालती हूँ और फिर से मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो आपको कई सारी एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सब भी करनी है ताकि आपका पेट कम हो जाए, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज है जिससे आपका पेट कम होने में, थाइस कम होने में हेल्प मिलेगी, अपने पैरों को टच करना है, ठीक है, क्रॉस हैंड से। फिर अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सब एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको बहुत इफेक्ट नज़र आएगा। तो मैं अपने लिए 15 मिनट ज़रूर निकालती हूँ, मतलब पूरा दिन में समझ लीजिए 15-15 मिनट करके आधा घंटा तो मुझे अपने आपको देना ही होता है। अगर मैं ज़्यादा टाइम दूँ तो शायद मेरा वेट लॉस और जल्दी हो जाए, ठीक है। अगर आप मन में सोच लेंगे कि आपका वेट लॉस आपको करना है तो आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। और अगर आप हार मान जाएंगे, जैसे मैं 8 साल से कर रही थी, अपनी जर्नी स्टार्ट करती थी फिर छोड़ देती थी, तो मेरा वेट लॉस नहीं हो पा रहा था। तो आपको मन में सोच लेना है, आपको मन में सोचना है कि मुझे अपना वेट लॉस करना ही करना है। तो इस तरीके से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और जो नॉर्मल आपके घर में खाना होता है आपको वो ही लेना है और उसको बस पोर्शन कर देना है, मतलब कि उसको कंट्रोल में खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, चावल कम कर देने हैं। चावल जैसे कि मैं बिना चावल के नहीं रह पाती, सुबह की चाय मैं ज़रूर लेती हूँ क्योंकि चाय के बिना मन अजीब सा रहता है। फिर ये आपको ओम का उच्चारण कर लेना है, ठीक है, मैं 3 बार ओम का उच्चारण कर लिया है। इस तरीके से आप ये पुशअप लगा सकते हैं, पुशअप में पूरे तो नहीं लगा पाती बट मैं इस तरीके से ये हाफ पुशअप तो लगा ही लेती हूँ, इससे पेट पे काफ़ी बल पड़ता है तो इससे भी पेट कम करने में हेल्प मिलेगी। तो आपको ज़रूर अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है और अपना ध्यान रखना है। तो ये मैंने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और अभी मेरे बेटे का स्कूल जाने का टाइम हो रहा है तो अभी उसको मुझे रेडी करना है। फिर मैं नीचे आ गई हूँ और अपने बेटे को रेडी वेडी करके स्कूल भेज के मैंने चिया सीड्स का
दूध ले लिया है, और ये मैंने लिए हैं सुबह के फ्रूट्स, और ये मैंने एप्पल और ऑरेंज लिया है। जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आपको खाने हैं, और खाने ही खाने हैं ज़रूर। या आप ओट्स की स्मूदी बना के भी ले सकते हैं, हमें चैनल पे देख सकते हैं। तो सारा काम फिनिश करने के बाद, कपड़े वगैरह धोने के बाद, सब कुछ करने के बाद, मैंने फिर अपने लिए 15 मिनट निकाला है और एक्सरसाइज की है। तो कुछ हम जैसी जो लेडीज़ होती हैं, उनका नीचे का जो शरीर होता है वो काफ़ी भारी होता है, तो उसको रिड्यूस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए आपको योगा करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। 10 से 15 मिनट ज़रूर निकालिए अपने लिए, ठीक है। तो फिर दोपहर को मैंने 1:30 से 2 बजे के बीच लंच करना होता है, तो ये एक थाली ली है मैंने। इसमें क्या होता है, आपको अपना पोर्शन कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो ये मैंने तोरी की सब्जी बनाई है और थोड़ी सी कढ़ी रखी थी। कढ़ी तो मेरी फेवरेट है, तो ये ज़रूर मैं खाती हूँ। तो इसमें आधी आधी से कटोरी सब्जी आती है, जो बहुत होती है, और दो जो रागी ज्वार की रोटी खाई है मैंने, और एक हरी मिर्च ली है, ठीक है, देसी वाली। और इसको आपको चबा चबा के खाना है, ठीक है। तो जितना आप चबा सकते हैं, जब तक आपके मुंह में वो घुल ना जाए, तक आपको उसको चबा के खाना है, ताकि आपका वेट लॉस हो। और मंजिस्टा की टी आप ज़रूर पीजिएगा। मंजिस्टा की टी पीने से आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो आएगा, ठीक है। तो मुझे तो बहुत फ़र्क नज़र आया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक वीडियो शूट की थी, तो इसमें आपको मैं स्मूदी बना के दिखा रही हूँ पपाया की। तो गाइस, आप इसको क्या करना है, आपको ये पपाया लेना है, और पपाया को मैंने कट कर लिया था। तो आपको बस इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेना है, और आपको चिया सीड्स 1 घंटे पहले या रात भर भिगो के रख देने हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा इसको ग्राइंड कर लिया है। तो आपको पपाया को अच्छे से पीस लेना है। ये स्मूदी आप रात को भी ले सकते हैं, या फिर आप सुबह जब 10 से 11 के बीच में भी ले सकते हैं। तो ये जो वीडियो है थोड़ी बीच में एडिट हो गई है, तो आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है। तो ये मिल्क के अंदर मैं डाल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत फ़र्क पड़ती है। जो इसमें चिया सीड्स डालेंगे, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फाइबर होता है, जो हमारे पेट को भरा हुआ रखता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से सब्जा सीड्स और चिया सीड्स को मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया है, और ये मैंने पी लिया था। तो थोड़ा सा अलग टेस्ट था, बट अच्छा लग रहा था। भाई, वेट लॉस करना है, मन में बस यही रखा हुआ है कि वेट लॉस करना है तो करना है। तो ये स्मूदी भी आप बना के पी सकते हैं, ओट्स की स्मूदी भी आप बना के पी सकते हैं, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब है डिनर का टाइम, बीच में आप एक ड्रिंक भी पी सकते हैं सौंफ वगैरह की। तो मैंने डिनर में लिया है थोड़े से चावल, ये 1 कटोरी चावल है, ठीक है, और चने और आलू की सब्जी है, और ये है प्याज और नींबू। नींबू ज़रूर ऐड कीजिए अपनी, और अगर आपको सैलेड खानी है तो आप पहले खा लीजिए, खाना खाने से 1/2 घंटे पहले, ठीक है। ये मैंने खाया, और फिर मैंने यहाँ पे अपनी जो नाइट ड्रिंक है वो बनानी शुरू कर दी है। तो मैंने एक भगोना लिया है, एक इसमें मैंने डाला है पानी। तो पानी आप उतना, जैसे अगर आपको 1/2 ग्लास पीना है तो आप 1 ग्लास पानी ऐड कर दीजिए। और उसमें मैं डाल रही हूँ सनाई लिप्स। सनाई लिप्स आपको डेली नहीं पीना है। सनाई लिप्स जो होती है आपके पेट को क्लियर करती है, आपके पेट की गंदगी जो है उसको साफ़ करती है। तो सनाई लिप्स आप हफ्ते में 1 से 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं लेनी है, जैसे कि अगर आपको लगता है आपने, आपका पेट हैवी है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, तो तब आप उस स्टेज पर आप इसको ले सकते हैं। तो आज हमारे घर में श्राद्ध था, तो मैंने थोड़ा सा चूरमा खा लिया था, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 चम्मच। तो उससे मुझे लगा कि भाई मेरा वेट लॉस में इफेक्ट ना पड़ जाए, तो इसलिए मैंने आज ये ड्रिंक बनाई है। आप इसको पीजिए, और इससे आपका जो पेट है इजीली साफ़ होगा। और गाइस, मैंने अपना वेट लॉस काफ़ी हद तक किया, कि देखिए पिछले साल भी मैंने अपना थोड़ा सा वेट लॉस किया था, और ये मेरे हस्बैंड जी के साथ मेरी वीडियो है, तो आप भी अपना वेट लॉस ईजीली कर पाएंगे। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस करवा चौथ देखते हैं कि हमारा लुक कैसा आता है, ठीक है। तो वेट लॉस करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।